इस वीडियो में शेयर करूंगा मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस जो मैंने रॉयल एनफील्ड क्लासिक्स में देखा हूं, जो प्रॉब्लम और जो अच्छाई इस बाइक में है। लॉन्ग टूर भी कर चुका हूं सिटी में, हाईवे में, सब जगह में। सो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा 10 साल क्लासिक 350 में, वो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। पहले 3 साल में ऐसा कुछ बड़ा नहीं था। जब मैंने डिलीवरी लिया था उस समय मैंने चेक नहीं किया था, बट बाद में मुझे पता चला जो इसका जो रेयर सस्पेंशन है, ये सस्पेंशन से ऑयल निकल रहा था। तो मैंने सर्विस सेंटर वालों को बताया था, बाद वो हुआ नहीं, सही से मैंने फॉलोअप भी नहीं कर पाया और काफ़ी दिन घुमाने के बाद उसको चेंज भी नहीं कर पाया। सो ऐसा कुछ और कुछ मेजर इशू नहीं था पहले 3 साल में, बढ़िया था। मैंने हमेशा सर्विसिंग वो सर्विस सेंटर ही किया था। 3 साल के बाद जो 6 साल था उसके पीरियड में मुझे बैटरी चेंज करना पड़ा एक बार, और फ्यूज़ 2 टाइम बाइक का उड़ गया था। मुझे पता नहीं है किस लिए उड़ गया था। तो फिर से मुझे इसको धक्का मार के 1.5 किलोमीटर जाके फिर सर्विस मतलब एक दुकान ढूंढना पड़ा, वहाँ से पता चला मुझे इस बाइक का फ्यूज़ उड़ गया है। सो फ्यूज़ लगाने के बाद वो ठीक हो गया। 10 साल में मुझे टोटल इसके बैटरी 4 बार चेंज करना पड़ा, और इसका बैटरी का कीमत आता है लगभग एक बैटरी का 3000 रुपया था। एक बार मुझे पता चला कि इसका जो मैंने वो जो मोबाइल होल्डर लगाते हैं वो बैटरी से चार्ज करने का लाइन में लगाया था, तो उसमें कुछ खराबी आ गया था, उसकी वजह से एक बार शॉर्ट सर्किट हो गया था। और एक बार इसका जो रेयर में जो टेल लाइट आता है उसका जो कनेक्शन है वो किसी तरह टायर से टच होके फ्यूज़ हो गया। 10 साल के बाद जो मुझे लगा इसका जो टॉप स्पीड है वो थोड़ा डिक्रीज़ हो गया था। मतलब आप इसको 60 स्पीड में चलाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके अगर ऊपर चलाते हैं तो फिर वो स्टेबल नहीं रहता उतना, आपको वो कंफर्टेबल भी फील नहीं होता और कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है। सो अभी तक 10 साल के बाद मुझे कभी भी इस बाइक का गियर चेंज करना नहीं पड़ा, गियर में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बाइक में मुझे क्या क्या अच्छा लगा 10 साल चलाने के बाद। जो पहला पॉइंट है, इसका तो टॉर्क काफ़ी अच्छा है, और रॉयल एनफील्ड तो मतलब टॉर्क के लिए फेमस है, तो इसका टॉर्क का भी अच्छा है। तो आप कभी पहाड़ पर भी चलाते हैं या फिर ज़्यादा लगेज भी लगा लेते हैं, एक आदमी पीछे बैठा हुआ है पिलियन में, तो भी आपको कभी ये इशू नहीं होगा टॉर्क का, कोई इनिशियल पिकअप काफ़ी अच्छा है। सो दूसरा जो है, ये हाईवे में काफ़ी स्टेबल है, मतलब पास से कोई बड़ा लॉरी भी जा रहा है, बस भी जा रहा है, सो वो जो हवा का जो एक धक्का लगता है सो वो आपको लगेगा नहीं इस बाइक में, क्योंकि इसका बाइक का वेट ही बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से हाईवे में काफ़ी स्टेबल रहता है। और 10 साल में मुझे इंजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, एक भी प्रॉब्लम नहीं आया इंजन में इस बाइक का। मैंने एक बार 8 साल बाद मैंने इसको बाइक को लेकर राजस्थान गया था, उसमें यमुना एक्सप्रेसवे में इसको मतलब फुल थ्रॉटल फिफ्थ गियर में फुल थ्रॉटल दे के देखा था, 120 किलोमीटर यह चला गया था स्पीड में, उसके बाद कुछ ऊपर नहीं जा रहा था। बट इस बाइक का इतना वाइब्रेशन आता है 120 में, तो आप इसको कैसे मतलब 1-2 मिनट ही चला सकते हैं इसका टॉप स्पीड, उसके बाद आप चला नहीं सकते। और इंजन मुझे कभी मतलब गर्म होता है बट आपको पैरों में उतना फील नहीं होता है कभी भी, आप दिन में 400-500 किलोमीटर भी चला लेंगे तो थोड़ा महसूस होता है बट उतना भी नहीं है। सो इसका इंजन उतना ज़्यादा हॉट नहीं है। इसका जो हेडलाइट है काफ़ी अच्छा है, रॉयल एनफील्ड का हेडलाइट काफ़ी अच्छा है, इस बाइक का भी हेडलाइट अच्छा है, और मुझे कभी फॉग लाइट लगाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा। मैं काफ़ी हाईवे में चलाता हूँ, रात को चलाता हूँ एवरीडे ऑफिस के लिए भी, बट मुझे कभी उसको चलाना नहीं मतलब फॉग लाइट लगाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा। मैं जब लॉन्ग टूर में गया तब भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। 10 साल हो गया है बट इसका जो रोड प्रेजेंस है ना अभी भी लोगों को अच्छा लगता है, मतलब इसका जो क्लासिक लुक है और रॉयल एनफील्ड जो नाम है इसमें हमेशा लोगों को मतलब एक मतलब देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब अब तो इतना बाइक बिकता है रॉयल एनफील्ड का, हमेशा आप रास्ते में निकलेंगे कहीं ना कहीं दिख जाएगा, बट ये बाइक जब भी जाता है दूसरा भी कोई भी रॉयल एनफील्ड तो लोग देखते हैं मुड़। रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छा मिलता है, 10 साल के बाद भी मैं इसको अगर मैं बेचना चाहूँ तो मतलब 70-75 हज़ार ऐसे ही मिल जाएगा। ये मैंने बाइक खरीदा था 1,36,000 से 10 साल पहले 2013 में, अभी बेचने जाऊँगा तो 70-75 हज़ार आराम से मिल जाएगा। ये बाइक का जो खासियत है, आप इसको सिटी में भी चला सकते हैं, आप इसको लॉन्ग राइड में भी चला सकते हैं, आप इसको कहीं चला सकते हैं। एक्चुअली ये एक ऐसा ही बाइक है जो मतलब लगेज है, आप अगर टूर के लिए लगेज लगाना चाहते हैं तो काफ़ी सारा स्पेस है इस बाइक में, सो आप लगेज कहीं भी जा सकते हैं, आप सीट में पीछे भी लगा सकते हैं प्लेन नहीं है तो दोनों साइड में। रॉयल एनफील्ड का सर्विस नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, सो आपको कभी भी कहीं भी जाए इंडिया में तो वहाँ पे आपको अच्छा सा सर्विस नेटवर्क मिल जाएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसको सर्विसिंग कर सकते हैं। वो पहला पॉइंट तो है, सबको पता है कि वाइब्रेशन, रॉयल एनफील्ड तो फेमस है वाइब्रेशन के लिए, सो इस बाइक में भी काफ़ी सारा वाइब्रेशन आता है, और 70-80 के ऊपर चलाएंगे तो और भी बढ़ जाता है। और ये BS3 बाइक है तो आप समझ सकते हैं आजकल के जो BS6 बाइक है उसमें तो वाइब्रेशन काफ़ी कम है, बट इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन। इसका ब्रेक उतना अच्छा नहीं है,
मुझे उतना मतलब कंफर्ट उतना कन्फिडेंस नहीं आता है जितना बाकी सारी सारे बाइक में आता है। उतना ब्रेकिंग मुझे अच्छा नहीं लगा इस बाइक का। और जो बैटरी है, बैटरी का बहुत इशू रहा मेरा बाइक में। मेरे बाइक में हर एक साल 9 महीने के बाद बैटरी चेंज करना पड़ता है, और वो बैटरी का वारंटी भी रहता है 1 साल 6 महीना, तो वो वारंटी नहीं रहता है, उसके बाद फिर से नया नया खरीदो। और हर बैटरी का प्राइस आता है 3000 रुपया। डिस्क, इस बाइक का जो बहुत इशू आता है ये डिस्क ब्रेक बल्ब। मेरा बाइक में काफ़ी बार 4-5 बार ये बल्ब में चेंज कर चुका हूँ। इसका बल्ब ख़राब हो जाता है, तो आपको डिस्क आप डालेंगे तो पूरा एकदम नीचे तक आ जाएगा, पर डिस्क लगेगा नहीं। आप अगर आराम से डालते हैं, मुझे लगता है मेरा पर्सनल फीलिंग से 10 साल के बाद ज़्यादा रिलायबल नहीं है। आपको कभी भी ये रास्ते में खड़ा कर सकता है, और धक्का भी देने के लिए आप तैयार रहिए। सो ये आप इस प्रिपेयर रह सकते हैं। और मेंटेनेंस कॉस्ट आप अगर दूसरे बाइक से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा ही लगता है मुझे। हर वक्त इसका कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो आपको वो कॉस्ट चुभ सकता है। क्योंकि ये हैवी वेट है, सो इसके जैसे इसका एक प्लस पॉइंट है, इसका माइनस पॉइंट भी है कि आपको अगर कहीं जाते हैं तो रास्ता बहुत ख़राब है, या ऐसा बहुत जगह बहुत शॉर्ट है, तो आपको घुमाने में उसको मतलब दिक्कत हो सकता है। आपको प्लान करना पड़ेगा कि इसको मैं कैसे घुमाऊँ। अचानक से इधर उधर थोड़ा भी ये हिल जाए तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा खड़ा करने में, अगर आप बहुत लंबे चौड़े आदमी नहीं है तो। आपको अगर एक यूनिक बाइक चाहिए, अभी इतना रॉयल इनफील्ड बिकता है ना, तो अभी यूनिक नहीं रहा। मैंने जब ख़रीदा था 2013 में, तो रास्ते में आपको ज़्यादा बाइक नहीं दिखेगा, बट अभी तो हर चौरा में आपको एक दो रॉयल इनफील्ड खड़ा मिलेगा। सो मतलब आपको अगर ऐसा बाइक लेना है कि आपको एक यूनिक बाइक लेना है, तो इस कैटेगरी में तो मुझे नहीं लगता कि रॉयल एनफील्ड भी आता है। सो ये सब पॉइंट है मेरा जो 10 साल का एक्सपीरियंस रहा। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।